हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम झा भानसपात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के जायके में हम बनाएंगे चावल का खीर। वैसे तो खीर बहुत सारी चीज़ों का बनता है, जैसे कि साबूदाना खीर, सेवई का खीर, रवा का खीर, आम का खीर। हाँ बिल्कुल, आम का खीर भी बनता है, लेकिन आप कोई भी ओकेज़न में देखेंगे तो चावल का खीर ही बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि बस 1 लीटर दूध से चावल का खीर कैसे बनाते हैं, वो भी बिल्कुल गाढ़ी वाली। तो यहाँ पर हम 1 लीटर दूध पहले बर्तन में रख लेते हैं। और ये गाय का दूध है, आप चाहे तो गाय भैंस कोई भी दूध ले सकते हो। अब दूध को गैस पर चढ़ा देते हैं और गैस का फ्लेम हाई करके इसमें उबाल आने का वेट करते हैं। तो जब तक दूध उबलता है तब तक हम यहाँ पर चावल भिगोने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने छोटे ग्लास से आधा ग्लास चावल लिया है, और चावल आप कोई भी ले सकते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि खीर सामा चावल का बनता है तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपके घर में जो भी चावल हो उसे आप ले सकते हैं। तो यहाँ चावल को एक पानी से हम धो करके जब तक दूध उबलता है तब तक इसे हम साइड में रख देते हैं। तो दूध में एक बार उबाल आ गया है तो अब इसमें हमने जो चावल भिगो करके रखा था वो डाल देते हैं। अब हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर चावल को पकाना है, और इसे आप बीच बीच में एक दो बार चलाते भी रहे। तो जैसे जैसे ये पकेगा खीर गाढ़ा होते जाएगा धीरे धीरे। तो तब तक खीर में डालने के लिए यहाँ पर थोड़ा बहुत मैंने ड्राई फ्रूट लिया है, काजू, बादाम, किशमिश और इलायची पाउडर। आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो एक दो इलायची को आप क्रश करके भी डाल सकते हैं। किशमिश को आप थोड़ा सा पानी में इस तरह से भिगो करके रख दें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किशमिश खट्टा होने की वजह से खीर में डालने से खीर फट जाता है। और जो बादाम काजू हमने लिया है उसे हम थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे, या फिर आप नॉर्मल थोड़ा क्रश कर सकते हैं। और यहाँ पर 7 से 8 मिनट के बाद ये देखिए थोड़ा सा खीर गाढ़ा होने लगा है। तो अब हमने जो ड्राई फ्रूट को ग्राइंड किया था वो इसमें डाल देते हैं, और साथ में आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट अपने मनपसंद की भी डाल सकते हैं, जैसे कि पिस्ता, केसर भी डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला है, क्योंकि केसर बहुत महंगा है। आपके पास है तो आप ज़रूर डालिए, उससे खीर का कलर बहुत अच्छा आता है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि खीर गाढ़ा होते जा रहा है। अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। तो चीनी आप चावल के पहले कभी मत डालिएगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि आपको चीनी चावल के पहले नहीं डालना है, क्योंकि चावल फिर पकता नहीं है, उसे पकाने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो आपको ये बात याद रखना है कि चीनी हमें लास्ट में डालना है। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 100 ग्राम चीनी डाला है। चीनी को मिक्स कर देंगे और अब इसमें जो हमने किशमिश भिगो करके रखा था पानी में वो डाल देते हैं। तो देखिए इसके ऊपर कितनी अच्छी मलाई जम गई है और ये गाढ़ा भी बहुत हो गया है। इसे और हम 5-6 मिनट पका लेते हैं। तो ये देखिए चावल का खीर बन करके रेडी है। तो कैमरे में शायद आपको वाइट वाइट दिख रहा होगा, लेकिन ये नज़दीक से मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है यहाँ पे, लेकिन लाइट की वजह से आपको थोड़ा सा वाइट दिख रहा होगा। तो अब हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है और चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। बहुत लोग इसे गरम गरम खाना पसंद करते हैं और बहुत लोग ठंडा खाना पसंद करते हैं। तो अगर आपको ठंडा खाना पसंद है तो आप इसे फ्रिज में डाल करके थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए और फिर नेक्स्ट डे इसे खाइए, बहुत ही कमाल का लगेगा। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल करके गार्निश कर लेंगे। मैंने थोड़ा सा बादाम, थोड़ा सा पिस्ता डाल करके गार्निश किया है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है आप उसे डाल सकते हैं। तो लीजिए चावल का खीर खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। मिट्टी के बर्तन में सर्व करने से ये दिखने में और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसे आप भी बनाइए और आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। कुछ भी अगर आपको पूछना हो रेसिपी रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो चावल खीर की रेसिपी अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, बेल बटन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। धन्यवाद।